यार रावे इट्स अ वेरी गुड आइडिया. मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था क्योंकि ऐसा ऐसा मसल भी इस्तेमाल हुआ है जो कभी जिंदगी में यूज नहीं हुआ था. घर जाके पकड़ती थी ट्रेनिंग के बाद, नाश्ता कर रही होती थी, कांटा जो है वो हाथ ही हिलता रहता था, मोबाइल नहीं सही पकड़ा जाता था. सुनो मेरा चश्मा वासित पकड़ो जरा, बॉल दिखनी चाहिए. मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी तो हो ही जाएगी. अब मैं शादी का सोचने लगा हूं तो मुझे लगता है डेट तो नहीं होगी. ओए 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 ओए, वेरी गुड राबिया, गुड बॉय. I relate to it in a very personal way because a lot of close friends of mine have left Pakistan. Different opportunities. Different reasons. Jagah kam hoti ja rahi hai, vagara vagara vagara. It always bothers me. I'm missing them. Oh my god! जो मैं आज हूँ वो मैं किसी की वजह से नहीं हूँ. मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ, जिस तरह की बात करती हूँ, मुझे किसी को प्लीज नहीं करना है, किसी को प्लीज कर भी नहीं सकते हम. लेकिन बस आप अपना वाइब जो है ना वो अपने साथ कनेक्टेड रखें, बस सुकून से रहें. चलें जी, चलें जी, चलें क्रिकेट खेलें. यार छक्का ना मारना यार. सामा मुझे मत मार दीजिएगा, वेट वेट सबर. सामा बहुत एक्शन में है. हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वी आर हियर विद अ कास्ट ऑफ नायाब एंड हमने सोचा एक स्ट्रीट क्रिकेट का थोड़ा सा गेम करते हैं फुल नायाब स्टाइल में. इन्होंने सोचा और हमने इनसे एग्री किया. बट मैंने कहा कि यमुना मैं आपको जूते आप चेंज करेंगी, आप लुक एट हर हील्स लाइक नो, सो वी आर गोना सी हर प्लेइंग इन दीस हील्स. आई एम सो इंप्रेस्ड एंड उसामा वहाँ फुल स्टाइल यार ये क्रीज साफ करें यार, ये क्रीज साफ उन्होंने उन्होंने कहा क्रीज साफ क्लीन करें, आप पिच क्लीन करें. फवाद इज हियर यू नो, सो लेट्स स्टार्ट. हु इज प्लेइंग फर्स्ट? अक्का एंड लेट्स स्टार्ट विद अक्का एंड उसामा. ठीक है, हम क्या फील्डिंग करें? हम फील्डिंग करते हैं, हम फील्डिंग करें. उसामा वाइड बॉल. व्हाट वाज दैट? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? आप बॉलिंग करें, मैं फील्डिंग करता हूँ. करें करें बैटिंग करें. यार रावे इट्स अ वेरी गुड आइडिया. यू नो यू गोना टीच मी फ्यू थिंग्स नाउ. ओके सही है. गुड बॉल, गुड बॉल. नहीं इट वाजंट अ गुड बॉल. जब तक मेरा शॉट नहीं लगेगा बॉल गुड नहीं होगी. सही सही सही. यार आप तो वो मूवी में प्रैक्टिस जो करवाते हैं पूरी 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 फास्ट बॉल मार रहे हैं. गेट सम टीम टू प्ले विद यू. ठीक है ठीक है. फ्यूचर टू प्ले विद यू. यमुना आपको नजर आ रहा है चश्मा? हां नजर आ रहा है चश्मा. यार देखो कूल लगना चाहिए, शॉट तो कोई भी लग जाता है भाई. ये पिच छोटी कर दी है बॉलर ने. यमुना लेट्स सी इफ ही कैन शॉट लगाते हैं. चले सुनो मेरा चश्मा वासित पकड़ो जरा, बॉल दिखनी चाहिए. अब सीरियस हो गई है यमुना. ये आखिर पे लगा देना, आखिर पे. नहीं प्लीज ये बिल्कुल आखिर पे नहीं लगना चाहिए. ओ यार ये दरख्त सही नहीं है वैसे. में मुझे कुछ नहीं आता, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी दिस ए क्लास क्रिकेटर. आउट हो जाऊंगा मैं यार. क्या बात है राबिया, नॉट बैड. वहां जाते जाते अब यहाँ आना शुरू हो गई है, एटलीस्ट थोड़ी सी तो बेहतर हुई. राबिया बोल्ड करना है.
आउट। यमुना बॉलिंग जो है ना छलांग मार के वेरी नाइस के साथ जो है वो बेस्ट है। बैटर चेंज हो गया, मैंने बैट सही पकड़ा। हां नहीं, यू डोंट मेक फन ऑफ मी। नहीं नहीं, फर्स्ट वहां देखो, उसने भी कहा था इसका मतलब मैंने गलत पकड़ा हुआ। ओ सही, इट वाज अ बैड, इट वाज अ बैड बॉल। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं दुआएं पढ़ लूं अपनी जितनी है, एक तो मार दूं। जैसी अच्छा चले, एक एक अच्छी सी बॉल कराती हूं, एक मेरे लेवल की बॉल। यार ऐसे फेंक दे। हाँ उसामा ठीक है। अरे नहीं, मेरा मतलब है ठीक है उसामा। कैच जॉब यार, ये तो एक्सीलेंट, ये नई टीम में जगह बन सकती है। बन सकती है ना, बिल्कुल। या या अब हम कामरान अकमल से रिप्लेस करेंगे। यू आर मेकिंग मी फील रियली गुड दैट आई एम रियली गुड। बस ये लास्ट गोल ठीक है, छक्का लगा दे राव्या। अरे तीन कैच मिस हो गए राव्या, मैंने मजे से ठा के दिया था कि कैच आराम से हो जाए। अमेजिंग जी, चले डन, चले। थैंक यू गाइस, गुड जॉब एवरीवन। गुनगुना क्या रही हैं आप? ये डांटते बहुत हैं आप, कह रही थी सेट पे भी डांट रहे थे आपको ये? नहीं नहीं नहीं, ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन एंड अ ग्रेट एक्टर, बट जो मेरा कैरेक्टर ऐसा है, ही इज अ कोच एंड अ ब्रदर, सो वो ये डांटते ही रहते हैं कि तुम ही गलत कर रही हो। ओके ओके, सो या इट्स दैट। बट आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना असिस्टेंट ब्रदर ऑन स्क्रीन इज ऑन पॉइंट, इट्स लाइक सो गुड कि वो फील होता है कि हाँ ये वाकई सिबलिंग्स हैं, वो लड़ भी ऐसे रहे हैं, वो हक भी वैसे जमा रही है, यू नो। वो कहती है कि तो कौन सा एहसान कर दिया मुझे, आप सिखा रहे थे। तो डिड यू गाइस हैव सम प्रैक्टिस सेशंस, कुछ रिहर्सल्स हुई थी, कुछ एक साथ टाइम गुजारा, या हाउ डू यू, या बस ये एक्टिंग का प्रोसेस है जब सामने आते हैं स्क्रीन पे तो इट स्टार्ट्स? Is there anything that you guys can share? Rehearsals हुई थी, reading sessions हुए थे, साथ में गए भी थे हम टैंगो के पास, एक बार मैं आया था ना, remember? जब इनकी भी session होना था वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ। But मुझे ऐसा लगता है ये theatre actor हैं, बहुत ही बेहतरीन theatre actor हैं हमारे पाकिस्तान के, और हम लोग के शुरू में reading session हुए, तो ये तो from the day first he was in character. Okay. ऐसा लगता था जैसे असल में कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान था इनके साथ कैच करना, केमिस्ट्री बनाना, और आई वाज सो कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम, और बड़ा रिलाय करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये नायाब का और अका का। तो मुझे लगता है ओवरऑल शूट पे जो एनवायरनमेंट था ना वो बहुत सबके लिए पॉजिटिव था, एंड फ्रॉम हर साइड बीइंग अ स्टार शी वाज ऑल वेरी नॉट अ स्टार ऑन द सेट, very much there down with everyone down to earth. उसामा आपको कैसा लग रहा है being the eye candy in the film this time? Usually होता है कि हम लड़कियों को लेकर आते हैं romantic element डालने के लिए या कुछ करने के लिए, for a change हम एक reversal देख रहे हैं, तो आप कैसा feel कर रहे हैं? वो देखेंगे तो पता लगेगा, मैंने सिर्फ डबिंग के टाइम पे देखा था, अभी वैसे ही देखा, लेकिन इट वाज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जब आया, तो जब आपने देखा कैरेक्टर, तो व्हाट वर द रीजंस दैट यू सेड यस? सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट ही पूछा था, उन्होंने कहा आ जाए डिस्कस कर लेते हैं, तो द मेन रीजन वाज मैं ओपनली कहता हूं यमुना। ओके, हाउ नाइस। हां, और दूसरा स्टोरी एक स्टोरी बहुत अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरीज बननी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो एक एक जर्नी के पीछे जो पिलर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मूवी में दिखाए गए। और एक लड़की मेहनत कर रही है तो उसको इमोशनली या किस फाइनेंशियली क्या क्या सपोर्ट है पीछे, तो वो बताया गया इसमें, बहुत रियलिस्टिक है।
मुझे बट ये वेंट थ्रू एक्सट्रीम फॉर मी इट वॉज एक्सट्रीम आई वुड यूज दिस वर्ड बिकॉज मैं को बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ नहीं हूँ और ये जो स्पोर्ट है ये बहुत चैलेंज मांगती है आपकी बॉडी बैलेंस डाइट बैलेंस मेंटल पीस बैलेंस स्लीप बैलेंस तो वो 2 महीने की जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा जो है ना रिस्पेक्ट गेन हुआ फॉर माय फीमेल क्रिकेटर्स फॉर माय क्योंकि एंड मेल क्रिकेटर्स क्योंकि हम जब बिल्कुल स्ट्रगल से शुरू करते हैं ना तो ये जो गली क्रिकेट खेल के पैशन है पाकिस्तान में तो उन लड़के लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं बहुत से तो कुछ बहुत अच्छी फैमिली से भी होते हैं कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी डाइट को उतना परफेक्ट रख सकें कि वो उतना तेज़ भाग सकें अपनी एनर्जी मेंटेन कर सकें लड़कियों के लिए बाइक पे आना स्कूटर पे आना बसों पे आना ये पूरा कुछ तो क्रिकेटर से बात हुई थी वो पूरा दिन एक मील लेती थी बिकॉज ऑफ लेस रिसोर्सेज सो उसके बावजूद भी आप इतना सब कुछ करके कहीं पहुंच रहे हो अपने ड्रीम्स को कैच कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू देम बोथ द क्रिकेट हमारी बंदों की क्रिकेट टीम और बंदियों की और मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग होता था क्योंकि ऐसा ऐसा मसल भी इस्तेमाल हुआ है जो कभी जिंदगी में यूज नहीं हुआ था घर जाके पकड़ती थी ट्रेनिंग के बाद नाश्ता कर रही होती थी कांटा जो है वो हाथ ही हिलता रहता था इतना वो हो गया था इसको पता नहीं मसल मेमोरी होती है कुछ कुछ होता है हाँ तो और मोबाइल नहीं सही पकड़ा जाता था हाथ वो चीज़ें तो ये कि वो बंदा बस स्ट्रगल के साथ साथ सीखता है और करता है लेकिन यू नो मज़ा भी तो बहुत आया होगा और बहुत मुझे लगता है जब आप ऐसी चीज़ करते हैं जैसे यू सेड कि यू वर नॉट वेरी यू नो फिजिकली एक्टिव जिम और इस तरह की फिर ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो जब वो सब आपने अचीव कर लिया होगा तो यू मस्ट हैव फेल्ट सो प्राउड यू नो To look back, oh, मैंने तो ये भी कर लिया, milestones होते हैं ना? मुझे पता नहीं चलता कि ये कर लिया है वो पता ही नहीं चलता अभी अभी हमने बॉलिंग कराई तो अक्का ने कहा कि तुम्हारा चांस तो यमुना सही है अच्छा अभी इतने टाइम के बाद हील के साथ हील्स के साथ सही हुआ तो मुझे ये पता नहीं चलता लेकिन आई फील राबिया आई एम प्रिविलेज टू वर्क विद दिस टीम विद दिस प्रोडक्शन हाउस एंड डायरेक्टर एंड इन द एंटायर कास्ट And to get this script is definitely a big thing for me because we have a great talent in Pakistan. So, वो अगर आपके हिस्से में आए चीज़ तो आप उसको बहुत ही एहतियात और केयर से लेके चलना चाहो. Yeah. आपने भी ट्रेनिंग ली फवाद या आप ऑलरेडी क्रिकेटर खेलते आए हैं बचपन से बिकॉज़ हम कुछ सीन में हमने आपको भी देखा है ना आपको बेसिक तो मैं सिखाने का हां बेसिक ये दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं वैसा ही था वो कोई बहुत जितनी ट्रेनिंग इनकी हुई इनकी तो महीनों ट्रेनिंग हुई दो महीने ट्रेनिंग हुई सो दैट वाज अ लेकिन आपको बताऊं मैं इतना टफ है लड़कों के लिए और लड़कियों दोनों के लिए मैं अभी जून में लाहौर गया रेस कोर्स पार्क जो लाहौर में वहां पे जून में गर्मी कितनी होती है बहुत ज्यादा एक लड़का लड़कियों की भी टीम थी वहाँ पे धूप में भाग रहे थे मैं सोचा मैं मेरे में आज इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं धूप में भाग के स्किन भी जल रही है आपको फ्यूचर भी नहीं पता अपना कि आपने कहाँ बनना है आपने क्रिकेटर बनोगे भी कभी कि नहीं बनोगे कुछ कमाओगे भी जूते कितने महंगे होते हैं किट कितनी महंगी होती है कितने महंगे किट कितनी महंगी पॉलिटिक्स इतना फेवरेटिज्म भी इतना आई मीन और आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और इवेंचुअली अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या आप सोचेंगे सही बात है एंड कंट्री लाइक पाकिस्तान यू नो लेस रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही कम है जो इतनी इतनी डिग्री याफ्ता लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो अपने लिए आप इसको करो तो दिस इज समथिंग बाकी फिर बहुत पैशन होगा पैशनेट होंगे लोग तभी वो ये कर सकते हैं जिस तरह आप लोग बता रहे हैं क्या स्क्रिप्ट ने और फिल्म में पूरा आपने काम कर लिया है मुझे लगता है मैं तो सिर्फ देख रही हूँ तो मुझे वो बहुत इमोशनल लग रही था यू नो फिल्म का ट्रेलर और उसमें इतनी थीम थी नॉट जस्ट क्रिकेट इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट इट्स अ फैमिली इट्स कनेक्शन बॉन्ड सपोर्ट सिस्टम फैमिली सिस्टम कराची और एक मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स मुझे तो लगा एंटरटेनिंग भी बहुत है वैसे बाय द वे लोग हंसेंगे भी बहुत था मुझे ब्रेन ड्रेन का टॉपिक नजर आया मुझे लड़कियों का करियर वर्सेस मैरिज का टॉपिक नजर आया मुझे यू नो फैमिली जैसे आपने कहा कि उसमें कितनी सपोर्ट जरूरी है जैसे उसामा ने भी मेंशन किया कि एक लड़की को एम्पावर करने के लिए उसकी सराउंडिंग्स का एक बहुत बड़ा रोल है उसके जितने लोग उसकी जिंदगी का हिस्सा है तो क्या मूवी पिक खत्म होने के बाद और स्क्रिप्ट पूरा पढ़ने के बाद कोई एक चीज आप लोगों के अंदर चेंज हुई है एज ह्यूमन बीइंग्स डिड द मूवी डिड नायाब टच एनीथिंग इनसाइड यू गाइस इन एनी वे फिल्म इज अ वेरी मूविंग फिल्म
मुझे लगता है मैं उन लोगों की ज़्यादा इज्जत करने लग गया हूँ जो खेलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और सोच के, क्योंकि आपको पता है जब लड़कियाँ ऐसी सोसाइटी से घर से बाहर निकलती हैं, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे मोस्टली वो ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होते, छोटे शहरों से ये होते हैं, तो उस वक्त तक उनको सपोर्ट नहीं मिलती अपने घर वालों से जब तक वो कुछ बन नहीं जाते. तो वो जो एक स्ट्रगल होते हैं ना, वो बहुत कम लोग होते हैं. ऐसे भाई बड़े कम होंगे या ऐसे बाप बड़े कम होंगे जो सपोर्ट करें इवेंचुअली. तो अगर एक लड़की एक छोटे शहर से निकल रही है, तब तक उसके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो कुछ बन नहीं जाती. बनने के बाद तो देखें सब लोग मान ही लेते लेकिन वो जो उसका इमोशनल उसकी होती कि कौन सपोर्ट करे मुझे, वो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि हाँ यार हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को. तो पहले भी मैं करता था लेकिन मुझे लगा कि हाँ वाकई अब थोड़ी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे होंगे. हाँ मेरे जहन में दो पॉइंट्स हैं. आपका सवाल बहुत अच्छा है. एक तो ये कि स्ट्रगल है, रिसोर्सेज कम हैं, चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को और दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू, तो यू शुड पुट योर एवरीथिंग. क्योंकि पाकिस्तान के बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लोगों के इमोशंस, लोगों की चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं. तो ये देखने के बाद मैं कहती हूँ कि सब कोई सारे स्पोर्ट्स में मैं कहती हूँ फिर छूट नहीं होनी चाहिए. फिर छूट नहीं है, जान लगा दें भाई. एक ये चीज कि भाई कोई नो एक्सक्यूजेस, ठीक है. एक बात, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, अगर आप पहुंच चुके हैं उस ग्राउंड में, आप पहुंच चुके हैं तो आप इस तरह बहुत लोग कनेक्टेड हैं आपके साथ, तो आपके साथ कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए. एग्जैक्टली. दूसरा ये कि जब मैंने इस फिल्म की नरेशन सुनी थी तो मैं कहती थी नहीं कहाँ फिल्म नहीं, क्योंकि बहुत लोग फिल्म बना रहे होते हैं और बन रही होती हैं, चल रही होती हैं, अच्छी भी जाती हैं. हमारा पाकिस्तानी सिनेमा बेहतर भी हुआ है ओवर द इयर्स. लेकिन जब मैंने नहीं, मैंने कहा बस आप एक दफ़ा के सुन लें. तो जब मैंने सुना नरेशन अली अब्बास और बासित नकवी से नरेशन डायरेक्टर की मौजूदगी में, तो मैंने ना आँख में लेंस लगाए हुए थे. जब लेंस लगा होता है तो आपके आँख ड्राई होती है, आँख से आँसू नहीं निकलता. And when I was listening to the entire story, and जब वो कुछ कुछ points ऐसे थे, I couldn't stop myself. और मुझे लोगों के सामने ना रोना नहीं पसंद है, तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है मुझे. तो मैं ना बहुत हो रही थी, तो मुझे बड़ा, मैंने कहा कि this is something कि हम अपनी family system के लिए, अपने dreams के लिए, अपने Pakistan के लिए जो है ये बहुत वेल रिटन चीज थी. yeah. और एग्जीक्यूट भी अच्छी हुई है. सो या ये आपने तो बड़ी मेरे दिल को कुछ हो गया. मैं बता रही हूं आप लोग सब देखने के लिए आए हैं. ब्रेन ड्रेन की बात की इज आल्सो वन ऑफ द थीम्स इन द फिल्म. सो एंड आई रिलेट टू इट इन अ वेरी पर्सनल वे बिकॉज़ अ लॉट ऑफ क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव लेफ्ट पाकिस्तान फॉर लॉट्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज रीजंस बिकॉज़ जगह कम होती जा रही है वगैरह वगैरह वगैरह. And it always bothers me. I'm missing them, and there's constantly this question: Yeah. Ki, yaar hai, chale jaye, kitne log charon taraf aapke baat karte hain. It's not something very relatable, but at the same time, something to think about. मुझे बहुत हाईलाइटेड लगा. एंड उसी से मैं अगर आपसे और उसामा से पूछूं, आपको लगता है जैसे बाप उसको बार बार बेटे को कह रहा होता है यू नो कि तुम बाहर चले जाते और बड़ा कुछ हो जाता और बच्चा बेटा जो भी कर रहा है बाप इज यू नो लुकिंग डाउन ऑन हिम एंड बेटी को तो नहीं करने दे रहा, लेकिन बेटे को भी एक अलहदा तरीके से प्रेशर है. एंड ही इज़ नॉट लेटिंग हिज सन बी वॉट हिज सन रियली वॉन्ट टू बी. अगर आप डीपली देखें तो उस पर एक बिल्कुल सही पॉइंट इसका पकड़ा बिल्कुल. Do you guys feel कि हमारी सोसाइटी में हम औरतों के लिए तो बात करते हैं लेकिन मर्द भी अलाउड नहीं है टू डू व्हाट दे वांट टू डू? Do you guys also feel such pressures? And as actors, do you feel you guys are sometimes judged for taking the easy way out? मेरे ख्याल में generally जो भी gender के हमारे यहाँ roles fixed हैं तो वो oppressive तो हो जाते हैं मर्दों के लिए भी. और मतलब जो बात थी ना कि एक तरह से कहा जाए कि पेट्रियार्की जो है वो सिर्फ ख्वातीन के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी जो है वो नुकसानदेह होती है बिकॉज वो अपने जेन्युइन पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते कई सारे और सोशल प्रेशर्स की वजह से. सो दिस इज या आई थिंक सो. मुझे मैं किसी से एक दो डिस्कस कर रहा था कि जो आप इंडस्ट्री में देखते हैं आपको बहुत से ऐसे एक्टर्स मिलते हैं जो कराची से नहीं है टीवी पे लोकल, दूसरे शहरों से होते हैं. तो उसका क्या रीज़न होता है? जब मैं कराची आया था
तो आई हैड नथिंग टू डू, कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं. तो मेरे घर वाले कहते थे आ जाओ वापस जॉब कर लो, क्यों छोड़ के आए हो. मैं अकेला बैठा रहता था कमरे में, मैं कहता था नहीं हम ठीक है कर लूँ और उनसे झूठ बोल के हाँ अभी हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इस तरह के. लेकिन जो कराची के लोग होते हैं ना उनका क्या प्रेशर होता है. मैं आया था इतने ज़्यादा एक्टर्स थे मेरे साथ जो कराची से लोकल थे, अब वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं. उन्होंने जब घर जाना होता है ना तो उनका बाप पूछता है बेटा नहीं हो रहा तो नौकरी कर लो. इतना प्रेशर होता है, इतना इवेंचुअली बंदा कहता है यार नहीं होगा मेरे से और वो बंदा नौकरी करने लग जाए. छः महीने बर्दाश्त कर सकते हैं, आठ महीने घर में एक साल बाप या माँ बच्चे को नहीं देख सकती बैठे हुए. हम तो कराची में आ गए, हम अकेले बैठे रहे, घर वालों को काम कर रहे हैं यार, टेंशन की बात ही नहीं. तो कोई उनको फेस नहीं करना पड़ा. लेकिन जब आप घर जाके फेस करेंगे ना तो आप नहीं रोज का वो रोज का आपके बचेगा नहीं हो रहा तो काम कर लो नहीं हो रहा. तो कराची के इसलिए मुझे लगता है इतना टैलेंट है यहाँ पे, लेकिन लोकल एक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने हम दूसरे शहरों से आते. उसका रीज़न यही सबसे बड़ा क्योंकि आपने रोजाना अपने घर वालों को फेस करना और इवेंचुअली आप कहते हैं अच्छा ठीक है सरेंडर कर लो. लेकिन मुझे हाँ बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात है. मुझे ना मैं कहती हूँ मर्द जो हमारी सोसाइटी के हैं और बहुत सी खवातीन बहुत सारे प्रिविलेजेस लेती हैं और है भी हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी रिस्पेक्ट एक अलग से है औरत की. लेकिन मैं कहती हूँ नेसेसरी नहीं है औरतों पे कमाना. मर्द पे बाहर जाकर काम करना कमाना ये बहुत बड़ी ज़हनी प्रेशर है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता. तो ये चीज़ें इन पे अक्का पे प्रेशर, इस पे प्रेशर कि इसने किस लड़की के साथ कनेक्ट हो गए हैं जैन और आगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, तो वो चीज़ को भी बहुत बंदों के लिए भी बड़ा एक. बट दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम क्लास टू क्लास. फॉर एग्जाम्पल शहर में जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं उधर खवातीन का काम करना इज़ के अंडरस्टूड के ये होगा. खवातीन जाएंगी घरों में जाके काम करेंगी, कई सारे मर्द जो हैं वो सिर्फ बैठ के खाएंगे. सही है. सो दिस इज आल्सो वेरीज फ्रॉम क्लास टू. हाँ लेकिन मेजॉरिटी हमारे मिडिल क्लास ही है ना हक्का. मेजॉरिटी मिडिल क्लास तो नहीं है. बाप से अगर कह दिया ना बच्चे ने कि ये चीज चाहिए, क्या रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में. इट्स वेरी डिफिकल्ट यमुना इतनी मेहनत से, जैसे नयाब का भी हम जर्नी देख रहे हैं, मुझे लगता है यमुना का भी एक जर्नी है. यस यू हैड रियली गुड स्क्रिप्ट्स एंड गुड डायरेक्टर्स टू वर्क विद. एक दफ़ा हमारी इंटरव्यू में भी बात हुई एंड यू सेड आई हैव बीन लकी कि मैं शुरू से ही. बट मुझे लगता है कि माशाल्लाह से आपकी चॉइसेस और एक जर्नी आपका भी रहा है. अब इस स्टेज पे जहाँ आप पहुँच गई हैं, आप क्या दो तीन चीज़ें हैं दैट यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट, दैट यू आर केयरफुल अबाउट कम्युनिकेटिंग टू द यंग गर्ल्स, जो यंग लड़कियाँ आपको देख रही हैं आपको फॉलो करती हैं, क्या जहन में दो तीन चीज़ें होती हैं जिनके बारे में यमुना बहुत केयरफुल है. Like careful, as in I didn't anything get it could be that I want to. Yeah, do three things because you are a role model, mashallah. Say people do follow you. Ab pichle kuch saalon mein to aur bhi zyada aapke you know people are loving and following you. To kya do three things jiske bare mein aap careful hain, aap chahti hain aapse associate kiye jaye messages ya kuch associate nahi kiye jaye, kuch aisi zehen mein aati hai baat responsibility ke point of view se, ladkiyon ko guide karne ke point of view se, ladkiyon ko jaise main mere hisab se aapki choice of this movie is also reflecting aapka thought process. Yes acting ki ho ki jagah aur script bahut different hai and everything, lekin nayab what nayab stands for is your choice, right? To wo bhi mujhe lagta hai ki hame nazar aa raha hai ki what yumna stands for through nayab. Thank you. बिल्कुल बहुत सालों की स्ट्रगल है. यस yes. और बहुत चीज़ें हैं. बट मैं ये यंग लड़कियों और लड़कों को ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में जो इम्पॉसिबल नाम का जो एक मेरी डिक्शनरी में ना इम्पॉसिबल जो है ना वो है ही नहीं. मेरी तो अप्रोच ये है कि कुछ भी है आप सब कुछ कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग और इंसानी बॉडी इतनी अमेजिंग बनाई हुई है कि हम लोगों ने तो उसको बहुत पैम्पर करके रखा हुआ है. सो आप अपना और वो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें लाइक एक सिक्स सेंस है, एक आपका ब्रेन है, एक आपका हार्ट है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है. तो इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है. वो लोग जो किसी भी किस्म के ड्रीम्स हो सकते हैं, किसी का ये भी ड्रीम हो सकता है कि मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हो के बहुत अच्छे बच्चे हों, और किसी का ये ड्रीम हो सकता है कि ये भी हो और साथ में करियर भी हो. सो आप बस यू जस्ट डोंट स्टॉप. Okay. और किसी के कहने पे स्टॉप ना करें. और एक और चीज़ ये मैं कहना चाहती हूँ कि
किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए. मैं कहती हूँ जो मैं आज हूँ वो मैं किसी की वजह से नहीं हूँ. मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ, जिस तरह की बात करती हूँ, मुझे किसी को प्लीज़ नहीं करना, किसी को प्लीज़ कर भी नहीं सकते हम. लेकिन बस आप अपना वाइब जो है ना वो अपने साथ कनेक्टेड रखें और बस सुकून से रहें. नहीं, आपने ये बड़ी पते की बात बोली है कि जो आप हैं वो आप अपनी वजह से हैं. सो our actions should be for our own sense. I think वो आजकल की generation को ये motivation देना बहुत जरूरी है. हाँ, किसी की वजह से cool बनने की क्या जरूरत है? किसी की वजह से और कुछ आपकी भी. जो journey है वो आपकी journey है, किसी दूसरे की journey वो नहीं है. दूसरे को देख के आप अपने ऊपर ना परेशान हो जाए कि जी मैं तो वो मेरे साथ थे और अब देखो वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ऐसा कुछ नहीं. आपकी journey तो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया वाले हरकत ना करें. उस किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर से होता है, लेकिन हो जाए इवेंचुअली अल्लाह ताला आपके लिए कर देते हैं. क्या लड़कियों को आज भी करियर वर्सेस मैरिज की चॉइसेस पे फेस करना पड़ रहा है? यमुना, हाउ मच प्रेशर देयर इज कि करियर में सक्सेस है तो शादी भी होना ज़रूरी है, नहीं है, या ये चॉइसेस हमेशा एक चैलेंज बन के सामने आके खड़ी हो जाती हैं? जैसे नायाब के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, अब्बा कह रहे नहीं आई तो लगाओ साइड पे लगाओ, शादी रिश्ते की भी बड़ी एग्जैक्टली तो वो कह रहे नहीं इसको कहाँ ये क्रिकेट, इसको वो करो, भाई से भी बोल रहे हैं मैं इसको जल्दी से. एक बड़ा जुमला है ना मैंने देख लिया इसके, तो पता नहीं कोई यूज इज अ वेरी टिपिकल लाइन जो लड़कियों के लिए यूज होती है कि इसका तो बंदोबस्त करो या कुछ आ रहा है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है लड़का आ रहा है वो कुछ. और उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्या आप लोगों को मर्द हजरात को भी इसी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? और इज इट इजियर फॉर मेन कि नहीं करियर है तो शादी या मैनेज हो जाएगी? या ये उम्मन तो एक बेसिक बात है ना, जो भी नॉर्मल रूटीन चारों तरफ दिख रहा है ना उसके उसको फॉलो करने के लिए प्रेशर होता है. कोई भी नॉन कन्फॉर्मिस्ट चीज़ करना चाहेंगे आप तो आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. अभी शादी नहीं हुई तो शादी कर लो भाई, शादी हो गई तो बच्चे कर लो भाई, बच्चे हो गए तो और कुछ और. तो लोग किसी जगह पे रुकते नहीं है. ठीक है, तो मर्दों पे भी इतना ही प्रेशर है, वो करियर पे फोकस करें तो नहीं अब शादी करो. मैं कंपैरिजन उस तरह से नहीं करना चाहता कि हमारे ऊपर ज्यादा है या कम है, मगर प्रेशर है. okay. सही है. और शायद हर मुआशरे में ही जो भी नॉर्म्स सेट हो जाते हैं उन नॉर्म्स को फॉलो करने का प्रेशर हर शख्स के ऊपर रहता है किसी न किसी हद तक. सो आपको लेकिन इतना ज्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए लोगों को, वरना तो लोग आप अपनी जिंदगी बिल्कुल पीछे छोड़ दें. मुझे लगता है कि प्रेशर तो होता है, डेफिनेटली होता है. तो लगता है लड़कों पे बहुत ज्यादा होता है, हम ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं बेचारों को. जॉब होगी ना, शादी करो, क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला है? कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप आपकी स्ट्रगल होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, फिर तीसरी जगह पे आते हैं, आप आहिस्ता से चेंज हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, आपकी फैमिली वहीं पे होती है. तो आपकी प्रेफरेंस और आपकी फैमिली की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है उस टाइम पे. तो आप उनको वापस जाए कन्वेंस, और फिर आपकी प्रेफरेंस भी जब चेंज हो जाती है तो लोग तो आपको आपके हिसाब से देख रहे होते हैं, आप दूसरी चीज़ों से के हिसाब से देख रहे होते हैं. मुझे लगता है कि प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, और हर वक्त बंदा ये सोचता रहता है कि अब इसके बाद बंदा कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगा, और हर बंदा दूसरे तरीके से सोचता है. तो मुझे लगता है कि मेन चीज़ यही है कि लड़के आजकल यही सोचते हैं कि एक दफ़ा सेटल हो जाए फिर कर लें शादी, लेकिन सेटल होने की डेफिनेशन कोई नहीं होती. ये एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए. ये तो है. अच्छा, अगर if I look at myself, you look at yourself also. Only. बाकी सब कुछ छोड़े तो मैं तो अपने लिए ये कहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते. सो ऑफ कोर्स एक टाइम पे थोड़ा बहुत प्रेशर था, बट माई फैमिली न्यू दैट व्हाट आई एम अप टू एंड व्हाट माई गोल्स आर. So they supported me and they're very, very conscious about me ke Yumna kisko pick karegi hai, kya karegi. You know, mere na karne se pehle to jo hai na aas paas ke jo mere behne nahi itna bhai zyada nahi ye nahi mama kehti shaadi. और कुछ तो ये होता है कि मैं कहती हूँ मुझे तो इतना ज्यादा कोई प्रेशर फील नहीं होता. कैरेक्टर्स मुझे मिल जाते हैं कोई ऐसे मासूम मासूम, तो मुझे लगता है मैं वैसी हूँ. तो आई शुड अम्मी कहती तुमको जिंदगी की रियलिटी में रहना होना चाहिए. बट अगर इफ आई लुक एट माई सेल्फ
जो जिस चीज़ का मुझे शौक था और जो प्रेशर्स अपने लिए मैं लेती थी उसमें मैं वो अचीव कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी इन दैट केस. पर मुझे लगता है आजकल के लड़के लड़कियों को शादी का ज़्यादा शौक होता है. फॉर देम इट्स लाइक ड्रीम. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोई करियर मुझे नहीं आसपास नज़र आते क्योंकि करियर अचीव कर लगता है ऐसा कुछ. अच्छा जो जिनको लगता है ना कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिर ज़्यादा आगे निकल जाते हैं. फिर वो कहते हैं अच्छा अब सोचते हैं. मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी तो हो ही जाएगी. अब मैं शादी का सोचने लगा हूं तो मुझे लगता है डेट तो नहीं होगा. लड़का शादी का सोचने लगा है. दैट्स गोइंग टू बी द वायरल. मुझे लगता है कि बस अब आप लोग नजर खुली रखें. हम प्रमोशन. सही बात है, सही बात है. सामने को हेल्प चाहिए. आप जवानी में ना बच्चा 20-22 साल का होता है, मैंने शादी करनी, मैंने शादी करनी, उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता. आपको पाकिस्तान में बताने वाला भी तो कोई नहीं है ना यार. कुछ अपने गोल सेट करो, कुछ अपने कुछ करना भी है आपने आगे लाइफ के. गोल्स भी होते हैं. शादी करके आप फंस जाओगे, बैठ जाओगे, फिर 8 साल बाद सोचोगे मैंने क्या करना है. तो मुझे लगता है कि आप पहले की बार सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर आपने जो भी करना है. आई थिंक बड़ी आप लोगों ने सही बात की. वो इट इज अ चैलेंज कि आप करियर पे ज्यादा फोकस करें या आप चूज कर लें मोहब्बत. लड़कों के लिए तो ज्यादा मुश्किल होता है ना. क्लास फेलो से मोहब्बत हो जाती है और उसकी पहले शादी हो जाती है. मोहब्बत मिलती है. वो मैं कहीं पढ़ रहा था, मीम आ रहा था कि सर्दियां आ गई है, शादियों का सीजन आ गया है, कनाडा से लोग आएंगे और यहाँ से लोगों की गर्लफ्रेंड्स ले जाएंगे. अरे अरे दिसंबर गुजरा है, शादियां हर जगह कुछ नहीं तो साथ में पड़ोस में ढोलकी बजने की आवाज आ रही है. Last question, what is one message that you guys feel that will resonate most with the audiences after watching Naya? Or you wish that people will walk away, wo ye message leke nikle cinema se. Entertain hoke nikle, enjoy karke nikle, hans ke ro ke nikle. That's nice. Enjoy karke nikle, entertain hoke nikle. और ये हो गए रूट करके निकले. रूट करके निकले. मैं तो सोची थी मैं ही पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी माइक बाहर कि कैसी लगी बता दें. फीडबैक में हैरान नहीं होगी इफ यू डू दैट. या सो एक्साइटेड माशाल्लाह. या सो और ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर हमारी फिल्म को एक फिल्म इंडस्ट्री को और ग्रोथ मिल जाए इस फिल्म से. हमारे ऑडियंस जो हैं वो इन्जॉय करें, जो पैसे खर्च करके आए हैं वो उनके वसूल हों. और क्योंकि या क्योंकि इट इज़ नायाब. इनफैक्ट नाम याद रखना. आपकी ज़िंदगी वैसी भी हो सकती है जैसी आप सोचते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो जैसे लोग आपके बारे में कहते हैं. आंसर ऑफ द शो. आंसर ऑफ द शो. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बीइंग अ गुड स्पोर्ट and entertaining you. our ideas. Thank you so much. Really appreciate Thank it. Thank you. हमें भी आज ऑफिस में बहुत मजा. आपका जवाब अच्छा नहीं लगा. हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जवाब. प्लीज उसको कुछ एडिट करें. कौन सा जवाब? नाम मर्डर मिस्ट्री. हमने आपको बचा लिया आपके दोस्तों को कि आप और हमें तो बसवा दिया ना. हमें तो कर दिया ना खराब. मुझे सारे फैंस अटैक करते थे ना इसको मर्डरर बना दिया. कुछ पता नहीं भी फैंस का. मैं तो डरती हूं फैंस से. हां लेकिन नाम मालूम अफराद को जो है ना मर्डर बना दिया. ये बहुत खतरनाक बात है. नाम मालूम अफराद को पता चल गया. ये है एन NMA. NMA. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. देखा उन्होंने गेस किया था. सेव करके मैंने कहा नाम मालूम. सेव खेल के हम साइड. अक्का यू आर ऑलवेज राइट. आई लाइक द वे दैट शी कॉल्स हिम अक्का इवन इन अभी जनरल बातचीत में भी नॉट जस्ट इन द मूवी. सो बहुत दुआएं आप लोगों की फिल्म के लिए. अल्लाह करे बहुत अच्छी जाए. अल्लाह करे लोग वाकई सिनेमाज में आए मूवी को देखने. ऑफ कोर्स. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच आबिया फॉर हैविंग अस. इट वाज फन. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. दिस इज यमुना जैदी एंड वी आर एट फूशिया मैगजीन. 26 जनवरी 2024 को फिल्म आ रही है नायाब. आप लोग ज़रूर अपने करीबी सिनेमा घरों में वो फिल्म देखने के लिए आएँ. एंटरटेन हो, इंजॉय करें और साल का आगाज़ एक अच्छी फिल्म से करें. दूर वाले सिनेमाघर में भी जा सकते हैं.